बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ 20 सेम साउंड वर्ड्स, जिसे हम होमोफोन्स भी कहते हैं। तो चलिए देख लेते हैं वो वर्ड्स। एट, एट का मतलब होता है खाया, और एक होता है एट, जिसका मतलब होता है आठ। बेयर, जिसका मतलब होता है मात्र, और एक होता है बेयर, जिसका मतलब होता है भालू। ब्रेक, जिसका मतलब होता है रोकना, और एक होता है वर्ड ब्रेक, जिसका मतलब होता है तोड़ना। सेल, जिसका मतलब होता है कोशिका, और एक होता है सेल, जिसका मतलब होता है बेचना। फ्लावर, जिसका मतलब होता है आटा, और एक होता है फ्लावर, जिसका मतलब होता है फूल। हेयर, जिसका मतलब होता है बाल, और एक होता है हेयर, जिसका मतलब होता है खरगोश। हियर, जिसका मतलब होता है सुनना, और एक होता है हियर, जिसका मतलब होता है यहाँ। नो, जिसका मतलब होता है पता होना, और एक वर्ड होता है नो, जिसका मतलब होता है नहीं। मीट, जिसका मतलब होता है मिलना, और एक वर्ड होता है मीट, जिसका मतलब होता है मांस। पेयर, पेयर का मतलब होता है जोड़ा, और एक होता है पेयर, जिसका मतलब होता है नाशपाती। पीस, पीस का मतलब होता है शांति, और एक वर्ड होता है पीस, जिसका मतलब होता है टुकड़ा। रीड, रीड का मतलब होता है पढ़ना, और एक होता है रीड, जिसका मतलब होता है ईख। राइट, राइट का मतलब होता है सही, और एक वर्ड होता है राइट, जिसका मतलब होता है लिखना। सी, सी का मतलब होता है नदी, और एक वर्ड होता है सी, जिसका मतलब होता है देखना। सन, सन का मतलब होता है सूरज, और एक वर्ड होता है सन, जिसका मतलब होता है बेटा। टेल, जिसका मतलब होता है पूंछ, और एक वर्ड होता है टेल, जिसका मतलब होता है कहानी। वेट, वेट का मतलब होता है इंतजार, और एक वर्ड होता है वेट, जिसका मतलब होता है वजन। अलाउड, जिसका मतलब होता है अनुमति, और एक वर्ड होता है अलाउड, जिसका मतलब होता है जोर से। बेयरली, जिसका मतलब होता है मुश्किल से, और एक वर्ड होता है बेयरली, जिसका मतलब होता है सहनशीलता। डेज, डेज का मतलब होता है दिन, और एक वर्ड होता है डेज, जिसका मतलब होता है तिलमिलाना, जिसे हम बोलते हैं अचंभे में डालना। तो ये थे हमारे आज के 20 होमोफोन्स या फिर 20 सेम साउंड वर्ड्स। सो स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।